मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगूंगा अपनी। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? चल जी हो रही है सुनिए। सो दिस इज क्लास। HTML CSS का नॉलेज नहीं आता आपको? मतलब जो आपको तो आता है बाकी किसी को नहीं आता? HTML CSS चले ठीक है, इतनी वर्डप्रेस में डिमांड नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ जाए ना, मतलब कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है या कोई चीज़ हाइड करनी है, तो उसके लिए कभी कभी जरूरत पड़ जाती है HTML की। चलो इतनी तो आपको आ ही जाएगी, मैं बता दूंगा इधर थोड़ी सी जरूरत पड़ती है ना। वैसे इस पे जरूरत नहीं पड़ती कोडिंग की, बिल्कुल जीरो, मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है वर्डप्रेस में कोडिंग की। जो ज्यादा डिमांड होती है ना वेबसाइट की, तो वर्डप्रेस पे ही होती है आजकल। जो वर्डप्रेस है ना, जो ज्यादातर लोग वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट होते हैं, तो तकरीबन 85% जो वेबसाइट है ना वो वर्डप्रेस पे बनी है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें सस्ता पड़ता है और थोड़ा इजी टू यूज है, और इसमें फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, SEO वगैरह, ठीक है, तो इसलिए ना वर्डप्रेस को यूज किया जाता है। अच्छा, CMS का पता है? व्हाट इज CMS? डिजाइनिंग के लिए। अच्छा, वो CSS होती है। CMS CMS का नहीं पता? CMS नहीं। CMS जो होता है ना, वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे पास डिफरेंट CMS है, जैसे हमारे पास कुछ हो गया वर्डप्रेस एक CMS है जिसमें हम अपना कंटेंट मैनेज करते हैं वेबसाइट का, और जिस तरह मैजेंटो हो गया, जिस तरह विक्स हो गया, जैसे गूगल वेबसाइट हो गया, तो ये किस्म का CMS है जिसमें हम ना लार्वेल हो गया, ठीक है, तो जिसमें हम ना अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, मतलब अपने डाटा वगैरह रख के उसको अपने मुताबिक कंट्रोल किया जाता है। तो मुख्तलिफ CMS हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं, कुछ पेड हैं। जैसे वर्डप्रेस है, ये एक ना, ये तो एक मतलब ओपन सोर्स है, इसका हमें पे नहीं करना पड़ता। जो हम होस्टिंग, अच्छा होस्टिंग एंड डोमेन का नॉलेज है आपको? होस्टिंग एंड डोमेन का नॉलेज है? व्हाट इज होस्टिंग? डोमेन नेम तो होता है ना वेबसाइट का, डोमेन नेम तो वेबसाइट का होता है, होस्टिंग का नहीं पता। अच्छा, एनीवन, अच्छा आपको पता है व्हाट इज होस्टिंग एंड डोमेन? अच्छा मैं आपको बता देता, चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज होस्टिंग एंड डोमेन। सपोज करें एक हमारे पास ना एक जो सिटी है ना, एक हमारा एक बड़ी बिल्डिंगों का एक सिटी है, और उसमें बहुत ज्यादा बिल्डिंग है, ठीक है, और आप उसमें ना एक जगह खरीदते हो, और उसमें ना अपनी मतलब एक बहुत बड़े शहर में ना अपनी एक छोटी सी अपना एक छोटा सा रूम खरीदते हो, मतलब उस रूम का किराया भी पे करते हो, और वो रूम है ना उसका आप एक नाम भी रखते हो। अब इसकी मिसाल ऐसा है कि आपने एक बड़ा सिटी है, एक मतलब एक जो वर्ड ये वेब ये इंटरनेट है, एक बहुत बड़ा एक सिटी है, ठीक है, इसमें बहुत से बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, और बहुत से मतलब एक इसको कह लो कि एक बहुत बड़ा शहर है, और उसमें आप एक ना शॉप खरीदते हो और उस शॉप का किराया भी पे करते हो। जैसे हमारी एक दुकान का नाम होता है, और हम FBR में उसे सालाना पे करते हैं कि हमारे मतलब उस नाम को कोई और रिजर्व नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा होता है, तो वो एक डोमेन नेम होता है, और वो डोमेन नेम का हमें ना पे करना पड़ता है, मतलब सालाना पे करना पड़ता है, वो जो भी पैकेजेस हो 2 साल के लिए। वो मुख्तलिफ होस्टिंग कंपनीज हैं जो हमें देती हैं, ठीक है, उनके पास सर्वर होते हैं बहुत बड़े, और वो हमें फिर प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंग जो है ना बेसिकली हमारी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि जो हमारा डाटा है ना, जैसे हमारे इधर कंप्यूटर पे पड़ा होता है, जैसा कि हमारे कंप्यूटर पे हमारा डाटा पड़ा होता है, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, स्टोर हो रहा है, लेकिन इसको सिर्फ हम खुद एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोई और यूज़र आके तो नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि हम लोकल होस्ट पे भी वेबसाइट चला सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, कोई और बाहर वाला यूज़र नहीं देख सकता। तो
तो जैसा कि मैंने आपको जो है आपको करके दिया है, आपको मैंने दी भी होगी, इसका मैं अपना ही लॉगिन कर, जैसे कि मेरी डोमेन है सपोज कर लो एसएमजी, ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है। और सपोज करो ये जो एसएमजी लिंक्स है ना, ये एक डोमेन नेम है जो मेरी वेबसाइट का है, जो ये बेसिकली आईपी एड्रेस होते हैं, और अगर आप आईपी एड्रेस भी सर्च करोगे ना तो वो साइट आ जाएगी। लेकिन अब आईपी एड्रेस हम कैसे याद रखें, गूगल का अलग आईपी एड्रेस है, फेसबुक का अलग आईपी एड्रेस है, इतनी आईपी एड्रेस हम याद नहीं रख सकते, तो उनको हम एक नाम दे देते हैं कि ये एक नाम है, ठीक है। बेसिकली एक एड्रेस होता है ये जो हमें अपनी स्पेसिफिक दुकान पे ले जाएगा, मतलब हम एक इंटरनेट पे आए, एक बहुत बड़े शहर में आए, हमने वहाँ पे सर्च किया, वो हमें स्पेसिफिक अपनी शॉप पे ले जाएगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं डोमेन। और जो होस्टिंग है, होस्टिंग हमारे पास होस्टिंग सर्वर्स होते हैं जहाँ पे हमारा डाटा कलेक्ट होता है ऑनलाइन, मतलब अगर हम अपने इस पे रखेंगे सिर्फ हम देख सकेंगे, और ये लाइव सर्वर होते हैं, कोई भी आता है तो हमारा डाटा इन पे स्टोर होता है, मतलब हम अपने अगर कंप्यूटर पे होस्ट करें भी सही, अपनी होस्टिंग बना भी लें, तो हमारे पास 24 घंटे लाइट तो अवेलेबल नहीं होती, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और स्पीड भी इतनी खासी नहीं होगी, तो इसलिए हमें होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है और डोमेन भी परचेज करनी पड़ती है। अच्छा, ये होस्टिंग एंड डोमेन क्लियर हो गया सब, होस्टिंग एंड डोमेन हो गया ना, अली आपको समझ आया होस्टिंग एंड डोमेन? चलें ठीक है, गुड हो गया। देन अब हमारे पास पहले हो गया होस्टिंग एंड डोमेन, ये बेसिकली अब चाहे ये बेसिकली हमें चाहे व्हाट जो भी सीएमएस हो ना, हमें ये लाजमी चाहिए चाहिए होती है होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा रखने के लिए जगह नहीं होगी लाइव तो हम उसका क्या करेंगे, तो इसलिए हमारे पास ये ना एक लाजमी चीज़ है। देन हमारे पास सीएमएस होता है, सीएमएस का मैंने आपको बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो हमें अलाउ करता है कि यूज़र आके हमारी वेबसाइट पे देख सके, हम उसे मैनेज करें, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स होते हैं, मुख्तलिफ सीएमएस हैं, जैसे मैजेंटो हो गया, कुछ पेड भी हैं, जैसे हमारे पास शॉपिफाई हो गया, वो पेड है सीएमएस, वर्डप्रेस हमारे पास ओपन सोर्स है, तो ये आई होप आपको इसका समझ लगी होगी कि सी एम एस क्या है, ठीक है, सी एम एस की समझ लगी, व्हाट इज सी एम एस, समझ लगी आप लोगों को? चलिए ठीक, अब आपको क्या पता लगा, डोमेन का पता लग गया आपको, होस्टिंग का पता लग गया एंड सी एम एस का पता लग गया। अब आते हैं वर्डप्रेस, ठीक है, जो वर्डप्रेस है ना ये एक हमारे पास ओपन सोर्स सी एम एस है जिस पे हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह को इजीली हैंडल कर सकते हैं, और ये इसको इसलिए प्रेफर किया जाता है क्यों, क्योंकि इस पे हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं और इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, और इसके मजे की बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी होती है, ड्रॉप एंड ड्रैग, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली, ठीक है, मतलब एक चीज़ ड्रैग करके फेंक दी वो पीछे कोडिंग खुद हो जाएगी, इस तरह बूटस्ट्रैप ये होती है ना, तो इसकी भी क्लासेस होती है, जैसे हम उसको कोई चीज़ फ्रंट एंड पे डेवलपमेंट करते हैं वो आपको आने में पता लग जाएगा, तो वर्डप्रेस का एक ये फायदा है, ठीक है, तो 85% लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स भी है और इजी टू यूज भी है, जैसे कि आप देखो ये मैंने साइट इसलिए बनाई है वर्डप्रेस में बनी हुई है, देखो ये आपको नजर रहा होगा, सही है, ये एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी हुई है सारी, और ये होती भी रिस्पॉन्सिव है, हमें इसको रिस्पॉन्सिव करना नहीं पड़ता, तो देखो साइट की लुक अच्छी लग रही है, ये एक इस तरह आप देखो मैं आपको दिखा दूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होती है, हमें रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप का यूज करके नहीं करना पड़ता, जिसका भी आप देख लो ये रिस्पॉन्सिव होती जाएगी, ठीक है, ये एक मिनट ये मैंने ऑन किया हुआ है ना, आप देखिए मेरा लैग क्यों हो रहा है पीसी, तो बेसिकली मकसद यह है कि ये जो है ना वर्डप्रेस की वेबसाइट ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी होती है, इसे हमें रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम सी एच टी एम एल और सी एस एस पे बनाते हैं ना, तो हमें उस पर रिस्पॉन्सिवनेस का ख्याल रखना पड़ता है, कि इस पर भी थोड़ा सा रखना पड़ता है, लेकिन हमें 95% ऑलरेडी हमें रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है इसके साथ, सही है जी, आप पीसी पे ओपन करो, टैब पे ओपन करो, जिस पे भी करोगे ना तो आपको ये साइट रिस्पॉन्सिव मिलेगी, सो
एक ये पॉइंट हो गया, आपको क्या बेनिफिट है। दूसरा इसका जो हमारे पास वर्डप्रेस का नुकसान होता है ना, वर्डप्रेस CMS को, ये है कि ये वेबसाइट हैक बहुत जल्दी हो जाती है, सिक्योर मतलब URL जो है ना, लोग अक्सर इसको चेंज ही करते हैं। वो आपको मैं एडवांस में बताऊंगा कि किस तरह जो है ना, हम URL जो ऊपर होता है ना लॉग इन वाला, ये जो है ना SMG जिसका लॉग इन URL होता है ना, इसको हम लिखते हैं WP admin। आपको मैंने लॉग इन दिया भी है इसका, तो जब इसको हम WP admin लॉग इन होता है ना, तो ये SQL इंजेक्शन वगैरह करके जो हैकर होते हैं वो आपको आसान से पासवर्ड मतलब गैस कर लेते हैं और वो लॉग इन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्योंकि URL इनका अक्सर वेबसाइट का यही होता है, तो इसलिए उनके लिए इजी रहता है हैक करना। और तकरीबन जो वेबसाइट हैक होती है ना, उनमें 85% वेबसाइट इस पे ही होती है, मतलब वर्डप्रेस की हैक होती है। तो इसीलिए जो है ना, इसको सिक्योर करना भी हम सीखेंगे आगे एडवांस लेवल में। फिलहाल अभी मैं आपको बता दूँ कि मतलब आपको बता दिया कि वर्डप्रेस क्या है, इसको क्यों चूज किया जाता है और क्या, अभी इसका जो डैशबोर्ड है हम उस पर मूव करेंगे। अच्छा, ये समझ ला कि व्हाट इज वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस क्यों चूज किया जाता है और वर्डप्रेस बेसिकली है क्या। चलें, गुड हो गया। एंड देन हमारे पास अब ये हो गया, अब हम चलते हैं, हमारे पास आ गया ओवरव्यू, वर्डप्रेस ओवरव्यू पे चलते हैं। सो देन प्रोसीड टू ओवरव्यू। इंटरनेट स्लो है इस वजह से ना। सो जो हमारे पास वर्डप्रेस है ना, ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि ओपन सोर्स है, और मैंने आपको CMS भी बता दिया कि CMS एक्चुअली चीज क्या होती है। अब जो वर्डप्रेस के फीचर्स हैं हम उन पे आते हैं। ठीक है, जो वर्डप्रेस है ना, ये हमें यूजर मैनेजमेंट देती है कि इसमें हम आसानी से ना यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह, अभी आप एक माइंड में बिठा लो ये पॉइंट्स किस तरह। ठीक है, मैं अभी आप प्रैक्टिकल भी अभी आप फिर आप प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, ये हमारे पास यूजर मैनेजमेंट है, मतलब आसानी से यूजर मैनेजमेंट करते हैं। हम चाहें तो मतलब सब्सक्राइबर को एडमिन बना दें, एडमिन को सब्सक्राइबर बना दें और एडिटर बना दें, तो मतलब ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। बग एडिटिंग भी हो जाती है और जो है पासवर्ड वगैरह भी इजिली चेंज हो जाते हैं, तो इसका हमारे पास ये फीचर है। तो ये आने तो हम ये देखेंगे आगे एडवांस में और जब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, और दूसरा जो मीडिया मैनेजमेंट है, इसमें हम मीडिया मैनेजमेंट इजीली कर लेते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूँ, आप कंफ्यूज। मैं अभी किसी के लॉगिन कर लेता हूँ, जो आपके लॉगिन कर लूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई नाइन नहीं है। पासवर्ड चेंज किया आपने? मैं बता देती हूँ। यही था ना ZUHA? मैं यहाँ पे लिंक दे देती हूँ चैट बॉक्स में। यही है ना? मेरे पास क्यों नहीं हो रहा लॉगिन? आई थिंक ये नहीं है। क्या लिंक है? URL क्या है? मैं आपको भेजा है ये वाला लिंक। अच्छा, ये आपने अपना URL मुझे व्हाट्सएप किया? मुझे व्हाट्सएप करिएगा ये, मेरे पास कंफर्म URL आपका यही था मेरे ख्याल से। चैट बॉक्स में ये है ज़ोआ खालिद, मैं आपको पासवर्ड भेजती हूँ व्हाट्सएप। चेंज किया है आपने? नहीं, चेंज किया डॉट है नहीं, मैंने चेंज नहीं किया, ये यही था, चेंज नहीं हुआ वैसे, आप करते हैं कोई नहीं। मैंने जो रखा था ना वो तो ये नहीं था, ये पुरानी वेबसाइट का दे रहे हैं, ये नई वाली? नहीं, ये नई वाली का।
ये जो मेरी वेबसाइट की दिखा रहा था उसके ये है ना थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड नजर आ रहा है क्योंकि इसमें प्लगइन्स वगैरह लगे हुए हैं और ये मेरे पेज व्यूज आ रहे हैं ठीक है, एवरेज सेशन आ रहा है, तो इसमें सारा कुछ जो है ना ये बैक एंड है ठीक। तो ये आपको अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाना चाह रहा, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो जब एक नई वेबसाइट होती है ना वर्डप्रेस की, वो उसकी लुक कुछ इस तरह होती है ठीक है। जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, आप इंस्टॉल करना भी दिखाऊंगा लाइव, जैसे मतलब हम डोमेन वगैरह परचेज करते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है। तो अभी आप मैं आपको वर्डप्रेस बता रहा हूँ ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डैशबोर्ड, ये हमारे पास डैशबोर्ड है जो हम क्लाइंट्स को मतलब वेबसाइट बना के देते हैं, तो उसको ये हम देते हैं ठीक है, उसको बैकएंड भी देते हैं ना। तो ये WP एडमिन वाला ये डैशबोर्ड, इसमें हम हैंडल करते हैं सब कुछ। सो इसमें हमारे पास ये चीज़ें साइड पे बार नजर रहे ठीक है। इसमें हमारे पास एक होम आ जाता है, होम के बाद पोस्ट आ जाता है, पोस्ट के बाद मीडिया आ जाता है, पेजेस, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर्स, रूल, सेटिंग, कोलैप्स मेन्यू इसको साथ लगाने के लिए ताकि आपके पास जगह कम हो जाए ठीक है। सॉरी देन हमारे पास जो होम है ना, ये हमारे पास ये डैशबोर्ड का जो होता है ये होम आ जाता है ठीक है, ये हमारे पास डैशबोर्ड वाला होम है। एंड देन हमारे पास एक पोस्ट आ जाता है, पोस्ट है ना आप जो आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल जो लिखते हो ना ब्लॉग पोस्ट, तो वो पोस्ट होती है ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं जो हमारे जैसे मैं देखूँ प्रो पाकिस्तानी एक प्रॉपर्टी, सॉरी प्रो पाकिस्तानी, तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट है बहुत मशहूर है पाकिस्तान की, प्रो पाकिस्तानी ठीक है। तो मैं इसका आपको दिखा दूँ, ये एक है ना ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट है जहाँ पे ये पोस्ट करते हैं, एडसेंस लगाते हैं और एडसेंस लगा के अर्निंग करते हैं। सो ये जो है ना ये पोस्ट की हुई है सारी, इनका जो है ना डायनेमिक पेज है, आए रोज वेबसाइट चेंज हो रही है। आप डायनेमिक और स्टैटिक का तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज डायनेमिक एंड स्टैटिक, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने जी, चेंजिंग करने चेंजिंग जो है डायनेमिक एंड स्टैटिक जी। जो डायनेमिक है ना हमारे पास उसमें है चेंज होती रहती है, मतलब आए रोज पोस्ट चेंज होती है। आप देखना ये आज यहाँ पे ये है, कल कोई और लगी होगी, परसों की और लगी होगी, सो ये कंटेंट खुद ब खुद चेंज हो रहा है इनको। और जो स्टैटिक होती है ना, जैसे ये मेरा वेबसाइट मैंने आपको दिखाई था SMG लिंक्स वाली, ये है ये ब्लॉग पोस्ट है ना जहाँ पे हम पोस्ट अपलोड करते हैं ब्लॉगिंग, तो उनकी जो वेबसाइट होती है वो होती है हमारे पास डायनेमिक, आए रोज चेंज होती है, पोस्ट चेंज होती है। जो स्टैटिक होती है ना होम पेज, स्टैटिक होम पेज, वहाँ पे हम कुछ जब तक चेंज ना करें ना वो चेंज नहीं होगी, तो वो होती है हमारे पास स्टैटिक। जैसा कि आप ये देख लो मेरे पास स्टैटिक वेबसाइट है, यहाँ पे जो है ना पोस्ट आए रोज चेंज नहीं होगी जब तक मैं चेंज ना करूँ ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगी, जब तक मैं चेंज नहीं करूँगा ना तो मेरे पास ये चेंजिंग नहीं होगी। सो ये मैंने प्लगइन लगाया हुआ है लेजी लोड, ताकि ये जो है ना वेबसाइट ठीक से लोड हो जाए, देन इमेज बाद में लोड हो ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट होती है जहाँ पे हमारे पास जो स्टैटिक होती है वहाँ पे जो ये है ना, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है जहाँ पे कंटेंट खुद ब खुद चेंज नहीं हो रहा, और ये है जहाँ पे कंटेंट खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। तो इसमें जो जो ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट है ना उसमें जो अगर आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हो देन आपको ये जो है ना पोस्ट वाला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आप हर आए रोज आप पोस्टिंग करोगे। और अगर आप कोई कंपनी की बना रहे हो देन आपको पेजेस की हेल्प लेनी होगी। पेजेस पेजेस क्या होते हैं मैं इसको आपको बात बताऊँगा, पहले मीडिया बता दूँ। एंड मीडिया लाइब्रेरी ये है कि जो हमारे पास कंटेंट होगा ना, डाटा जो हम वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ डाल देंगे कि ये मीडिया है मैंने वेबसाइट में यूज़ करना है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, तो वो मीडिया लाइब्रेरी जो हम पढ़ रहे थे ना मीडिया मैनेजमेंट, यहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट ठीक है, वो यही है कि जहाँ मीडिया मैनेजमेंट इजिली कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। और स्लो हुआ थोड़ी, मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना, नेट स्लो है काफ़ी जी, आ रही आवाज़। अच्छा मैंने सुना शायद आवाज़ जा नहीं रही, नेट स्लो है काफ़ी। सो
नहीं मैंने म्यूट कर दिया था। अच्छा सो सिग्नल स्लो थे ना तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। आप भी यार सही याद रखें ठीक है ना। अच्छा नेट स्पीड स्लो थी तो इसलिए मैंने ना वो दूसरा कनेक्ट कर रहा था। असल में मैंने इतनी ज्यादा वेबसाइट अपनी होस्टिंग पे कर दी है ना तो इसलिए ये भी थोड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि जो मैंने परचेज की है ना होस्टिंग मैंने उसे बहुत ज्यादा आप सब लोगों की कर दी इंस्टॉल तो इससे भी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। सो जो फ्री वाली होस्टिंग होती है ना मैं उस पर आपको कह देता लेकिन वो आए रोज फिर वो बंद हो जाती तो इसलिए अच्छा ना होता, तो इसलिए मैंने अपनी होस्टिंग पे इंस्टॉल कर दी। अच्छा देन हम आ रहे थे मीडिया पे ठीक है। सबसे पहले पोस्ट का मैंने बताया, यहाँ पे जो पोस्ट वगैरह होते हैं आर्टिकल वगैरह होते हैं तो जो आर्टिकल लिख चुके हैं उसे पता है, तो जो पोस्ट होते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं ठीक है। जो मीडिया है मीडिया मैनेजमेंट यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया करो ठीक है, बक एडिट ये हम अभी मैं और यू दे रहा हूँ लेकिन इस पर एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा। एंड देन पेजेस हैं, जो पेजेस हैं हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस जैसे कि ये वेबसाइट है ये वैसे तो है ना यहाँ पे पेजेस भी होते हैं अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस ठीक है। देखो ये हमारे पास अबाउट खड़ा है, ये हमारे पास एक पेज है, यहाँ पे उसने गूगल एडसेंस लगाया हुआ है तो इसलिए पॉपअप शो हो रहा है अबाउट ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेज है अबाउट का, ये हमारे पास जिसको हम पोस्ट नहीं, ये जो है ना हमारे पास अबाउट अस पेज कॉन्टेक्ट अस पेज पोस्ट वाला आता है ना वो सिंपल एक जो पोस्ट होती है पोस्ट और पेज में ये फर्क है, पोस्ट होती है ना उस पर आर्टिकल लिखा जाता है और पेज जो है उस पर हम ये जो हमारा अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी लैंडिंग पेज जो लैंडिंग पेज होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, वो पोस्ट पे नहीं होते क्योंकि पोस्ट को हम एडिट नहीं कर सकते। जो एलिमेंटर वगैरह होते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि एलिमेंटर जो है ना एक एडिटर है जिसमें हम फ्रंट एंड एडिटिंग कर सकते हैं तो वो पेजेस के लिए होता है। तो पेज और पोस्ट को आप कंफ्यूज ना होइएगा, पेज जो है ना ये हमारे पास लैंडिंग पेज बनाने के लिए होता है जैसे अबाउट है कॉन्टेक्ट है जो होम पेज हो गया, और पोस्ट होता है ये सिर्फ आर्टिकल के लिए यूज होता है आर्टिकल के लिए ब्लॉग पोस्ट समझ लगे। ये पेज और मैं असल में लोग कन्फ्यूज होते हैं कि जब पोस्ट है तो पेज की क्या जरूरत है, तो आपको इस चीज़ का क्लियर हुआ है कि व्हाट इज पेज एंड पोस्ट इस चीज़ में थोड़ा फर्क क्लियर हुआ है आपको। जी ठीक है, बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है ना तो पूछ लो क्योंकि बाद में फिर मसला ना हो आगे फिर हम दौड़ते रहे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं साथ लेके चलूँ। सो जो हमारे पास पोस्ट एंड पेज जो पेज है ये भी कमेंट्स, यहाँ पे हम कमेंट्स हैंडल कर सकते हैं। कोई यूज़र आके हमारी वेबसाइट पे कमेंट करते हैं तो आपको लगता है कि कमेंट सही नहीं है, आप उसे अगर आप चाह रहे हो कि आप उसे पढ़ो फिर अप्रूव करो और तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आगे कोई यूज़र कमेंट कर दे मतलब अप्रूवर की ज़रूरत ना पड़े तो आप वो भी कर सकते हो, तो इसमें कमेंट मैनेजमेंट भी होती है। जैसे ये देखो अब आप इसे कहो कि नहीं ये स्पैम है तो आप इस पर स्पैम कर सकते हो, अन अप्रूव कर सकते हो वो ना रहे। मेडकर अच्छा जी जी मैं कमेंट की बात कर रहा था ठीक है। जो ये कमेंट्स है ना आप इसको कमेंट मैनेजमेंट भी वर्डप्रेस में आसानी से हो सकती है कि आप कमेंट को आप अप्रूव करो अन अप्रूव करो डिलीट करो स्पैम में डाल दो ट्रैश में डाल दो बक एडिटिंग करो, ज्यादा कमेंट आ गए हैं तो जो आपको बुरे लग रहे हैं उनको सेलेक्ट करके अन अप्रूव कर दो उनको अप्रूव कर दो या उन सबको एक साथ ट्रैश में डाल दो ठीक है। तो ये वर्डप्रेस में हमें ये उस फीचर है कि हमें कमेंट उसका मिल जाता है। देन अपीयरेंस की बात आती है, अपीयरेंस में जो है ना थीम्स हम थीम्स बनाते हैं, थीम्स बने बनाए मिलते हैं फ्री भी होते हैं पेड भी होते हैं, वो हम थीम्स अपलोड करते हैं यहाँ पे तो
एक्टिवेट करके हम साइट की जो थीम होते हैं ना अपीयरेंस में आके जो थीम्स है ना ये हमारी जो है ना वेबसाइट के लुक को बेटर करते हैं। थीम्स जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये भी एक थीम ही लगा हुआ है होम पेज में, दिखाऊँ प्रो पाकिस्तानी जैसे ये भी एक थीम लगी हुई है सिंपल सी। ठीक है, ये जो मैंने है ना ये मैंने थीम नहीं लगाई, मैंने खुद बनाया हुआ एलिमेंटर से सारा। एलिमेंटर एक मैंने आपको बताया कि एक क्या होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्लगइन, प्लगइन भी बताऊंगा क्या होते हैं। सो दिस इज बेसिकली टीम, टीम नहीं है ये जो आपको मैंने ये दिखाया, ये एक टीम लगी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊँ एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास ना थीम लोग बना के बेचते हैं। ठीक है, अगर आप थीम बनाना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको पीएचपी का नॉलेज होना चाहिए, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ज़्यादातर आपको अगर वर्डप्रेस की बैकएंड पे काम करना है ना थीम डेवलपमेंट में, तो आपको ना अगर आप थीम डेवलपर बनना चाह रहे हो तो आपको पीएचपी आनी चाहिए, प्लगइन बनाने पड़ती हैं थीम वगैरह। तो यहाँ पे देखो ये थीम हैं, सीएमएस टेम्पलेट्स, मार्केटिंग टेम्पलेट्स, ब्लॉगिंग टेम्पलेट्स। तो जैसा कि मैं अगर कहूँ कि मुझे वर्डप्रेस की चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च कर लो, प्लगइन्स खड़े हैं यहाँ पे, टेम्पलेट्स खड़े हैं, सीएमएस जो है हमारे पास वर्डप्रेस है। ठीक है, हमें वर्डप्रेस की चाहिए कहाँ पे, खड़ा वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पे। सो ये जो हमारे पास टेम्पलेट है ना, यहाँ पे जो वेबसाइट है यहाँ पे हमारे पास पेड थीम्स आते हैं, लेकिन ये थीम्स हमें फ्री में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो सर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो उन पे ये भी थोड़ा सा डर होता है कि किसी ने वायरस ना डाल दिया, क्योंकि ऐसे तो नहीं दे रहा, लेकिन वो बेसिकली एड दिखा के ना वो हमें फ्री में दे रहे होते हैं नर्ड थीम्स। सो ये हमारे पास थीम है, इसमें थीम का ये होता है कि हम सीधा इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में डाल के, मतलब ये देखो ना एक थीम खड़ा हुआ है ना, मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये थीम डाउनलोड करने कहीं से, अगर यहाँ से तो परचेज करना पड़ रहा है, लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हो, मतलब फ्री थीम जो भी थीम उसका नाम लिख के। स्पीड काफ़ी स्लो है, हाँ जी। ठीक है, ये हमारे पास एक थीम है, डेमोज है, एक थीम होता है काफ़ी जो थीम है ना वो डेमोज देते हैं मुख्तलिफ, तो यहाँ पे हमारे पास एक थीम आ गया, डेमो आ गया इसका। हाँ जी, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे पास थीम है, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, हमने कोई कोडिंग नहीं की। अब हम इसको सिर्फ इसको डाउनलोड करेंगे, जब हम इसको डाउनलोड करके ना इसको अपनी वेबसाइट में डालेंगे तो सेम एज इट लुक आ जाएगी, बिल्कुल एज इट। फिर बात रह जाएगी सिर्फ कस्टमाइजेशन की, सेम एज इट लुक आ जाएगी हमारी साइट में, मतलब ये साइट हमारी हो जाएगी। यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएगा जो हमारा है, ये हम सारा उधर इम्पोर्ट कर देंगे कंटेंट। ठीक है, ये सेम एज जो है ना, तो थीम का ये मजा है कि वर्डप्रेस का हमें रेडीमेड थीम मिल जाते हैं और उनको हम अपनी वेबसाइट में डाल के कस्टमाइज का तो ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीम्स है ना ये इसलिए यूज किया जाता है। देन जो हम थीम डाल लेते हैं ना, हमने थीम बाय कर लिया, डाल लिया, देन हमारे पास बारी आती है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में क्या करना है, ये हमारे पास था, हमने थीम परचेज किया था और हमने क्या करना है, क्लाइंट ने क्लाइंट का यहाँ पे लोगो लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लाइंट का लोगो लगा देंगे, अगर उसके खाने पीने की चीज है तो हम यहाँ पीछे स्लाइडर पे उसके वही चीज वही उसके रिलेटेड इमेजेस लगा देंगे। और अगर क्लाइंट चाहता है कि मेरे पास जो मेन्यू बार में ना सिर्फ शॉप शो हो, तो हम बाकी सारे हटा देंगे मेन्यू से। अगर क्लाइंट चाह रहा है कि ये जो है ना क्या होता है मेन्यू में अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस भी हो, तो हम क्लाइंट के मुताबिक हम इसको कस्टमाइज करेंगे, बाकी हमारे पास सारा कुछ रेडीमेड। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बस कस्टमाइज करना रह जाता है जब हमारे पास थीम आ जाए। समझ थीम की समझ लगी, थीम एंड कस्टमाइजेशन समझ लगी, थीम व्हाट इज थीम एंड जी आगे समझ, बाकियों को ऊपर से तो नहीं बोल रही। आपको आइए अली, आपको आइए, ठीक हो गया। सो बेसिकली ये हमारे पास थीम्स होते हैं। लोड क्यों हो रही है, मेरा नेट स्पीड बहुत स्लो है।
ये कस्टमाइजेशन मैं आपको बाद में करूंगा, अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा। आज ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ चीज़ों का, अभी मैं तफसील के आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब एक एक दो दो तीन तीन हम फिर उन चीज़ों को तफसील से लेके चलेंगे, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। देन ये अपेयरेंस में हमारे पास, मैंने आपको बता दिया कि अपेयरेंस जो आपको पता है लुक होती है, लुक में हमारे पास थीम्स आ जाती हैं और थीम्स को हम कस्टमाइज करते हैं। विजिट्स जो होते हैं साइट पे, मतलब विजिट्स जो हेडर फुटर, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा टेल विजिट। सो बेसिकली आप देख लो, ये हमारे पास एक है, ये हमारे पास एक हेडर है, ये एक विजिट हो गया जैसे। देन हमारे पास ये फुटर है, ये एक विजिट हो गया हमारे पास। देन हमारे पास ये एक साइन अप खड़ा है, ये हमारे पास एक विजिट हो गया, ठीक है, इसको हम विजिट कहते हैं। टेस्टोनोमियल, ये हमारे पास एक विजिट हो गया, मतलब एक छोटा सा डिव होता है ना, उसको हम क्या होता है विजिट कहते हैं। साइड बार में, साइड बार होता है एक्सरसाइज का, यहाँ पे साइड बार नहीं है, तो साइड बार होता है उसको भी हम विजिट कहते हैं, जहाँ पे मैं आपको प्रोपक्सानी का साइड बार हो गया। जैसे ये फुटर हो गया, ये एक विजिट है, हेडर एक विजिट है, सो दिस इज कॉल्ड विजिट। विजिट हम एचटीएमएल से खुद बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एचटीएमएल आती है, नहीं तो बने बनाए विजिट भी मिल जाते हैं, जो हम हमारे पास जो लगी हुई है वो हमें बने बनाए विजिट देते हैं, हम वो ऐड कर सकते हैं शॉर्ट। देन हमारे पास विजिट हो गया। मेन्यू मैंने आपको बता दिया, मेन्यू क्या है, मेन्यू जो है ना ऊपर जो खड़ा है ये मेन्यू, ठीक है। मेन्यू अब मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये हमारे पास हो गया मेन मेन्यू, मेन मेन्यू जो हमारे, ये होगा हमारे पास टॉप मेन्यू जो ऊपर खड़ा है सबसे टॉप पे, सोशल मीडिया मेन्यू, ये सोशल मीडिया मेन्यू, ये लैंग्वेज मेन्यू हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मेन्यू, एक फुटर मेन्यू होते हैं, ये फुटर मेन्यू खड़े हैं हमारे पास, दीज आर कॉल्ड मेन्यू, ताकि जो हमारे पास शॉर्ट लिंक होते हैं हमारे साइट के, तो इसकी समझ लगी कि व्हाट इज मेन्यू, मेन्यू की समझ लगे। चले ठीक, देन हमारे पास बारी आ गई बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड जैसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड है ना, सबके नीचे पेज बैकग्राउंड, मतलब यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे इमेज जो पेज का बैकग्राउंड होता है ना, जैसे ये हमारे पास ये पेज है, यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ और है, अगर बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाह रहे हो, यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज है, तो ये जो एक डिफॉल्ट होता है ना कि आप कोई भी बैकग्राउंड नहीं लगाते, तो कौन सा बैकग्राउंड लगना चाहिए, तो यहाँ पे वो बैकग्राउंड, तो इसका यूज नहीं होता। थीम एडिटर ये एडवांस होता है, अगर आपको थीम एडिट करना आता है, पी एच डी अच्छी ग्रिप है, सो यू कैन यूज दिस थीम। देन हमारे पास बारी आती है प्लगइन्स की। प्लगइन्स जो है हमारे पास जो है ना, हमारे पास प्लगइन्स ये हमारी फंक्शनैलिटी को चार चांद लगा देते हैं, सही है। फंक्शनैलिटी को चार चांद कैसे लगा देते हैं, जैसा कि ये हमारे पास एक वेबसाइट की थीम ने हमें अच्छी लुक दी, थीम का काम है अच्छी लुक देना, ठीक है, और अच्छी लुक के साथ साथ जो फंक्शनैलिटी है वो प्लगइन का काम होती है, प्लगइन एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे थीम ने हमें एक मेन्यू दे दिया कि ये हमारे पास मेन्यू खड़ा है ना, हमें थीम ने एक अच्छी सी लुक दे दी मेन्यू की। अगर मैं आपको मेन्यू दिखाऊं हमारे साइट का कैसे होता है शुरू में बगैर थीम के, तो इसका कुछ इस तरह मेन्यू होता है, ठीक है। ये देखो कितना पूरा सा एक खड़ा है, हेलो वर्ल्ड पोस्ट कितना पूरी लिखी हुई है। देन यहाँ पे देखो ये एक मतलब कितना पूरा जो डिफॉल्ट है किस तरह का थीम, तो आप इसको देखो ये किस तरह है, ठीक है। वहाँ पे अभी कुछ बनना भी नहीं हुआ, लेकिन अगर हम कुछ लिखें भी सही, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, नहीं वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा। कहने का मतलब ये कि जो प्लगइन है ना, वो फंक्शनैलिटी को चार चांद लगाते हैं, जैसा कि हमारे पास एक मेन्यू है, ठीक है। अब थीम ने हमें दिया कि ये यहीं पे खड़ा है, कोई थीम हमें देता है कि उस टिक की मेन्यू नहीं होता, ठीक है, वो मेन्यू वहीं पे खड़ा रहता है, हम नीचे स्क्रॉल करें तो मेन्यू वहीं पे रहेगा। तो हमारे पास कुछ प्लगइन आते हैं जो जो हमारे मेन्यू को ना स्टिकी कर देते हैं, ठीक है, इस मेन्यू को स्टिकी कर देगा प्लगइन, हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे वो प्लगइन उसको साथ मूव कराएगा। तो कुछ प्लगइन हमारे पास, जैसा कि हमारे पास एक प्लगइन है शॉप वाला, जहाँ पे हमारे पास ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी आ जाए प्लगइन के साथ है, ठीक है। ये प्लगइन हमें दे रहा है सिलेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं, अपना सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे, ये हमारे पास प्लगइन दे रहा है, ये हमारे पास प्लगइन दे रहा है, ठीक है। तो पेमेंट जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो भी हमें प्लगइन मतलब हमें फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। तो
दिस इज आल्सो बिकॉज़ ऑफ प्लगइन हमें फंक्शनैलिटी दे रहा है और सी जो है वो लूप दे रहा है. सो आपको समझ लगा कि व्हाट इज सी एंड प्लगइन. थीम एंड प्लगइन को गेट कर लिया आपने के क्या थीम है और प्लगइन क्या है. चलें तो उसके बाद हमारे पास रह गया है यूजर. ठीक है, हमने पॉइंट पढ़ा था कि यूजर मैनेजमेंट. तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑल यूजर्स. तो अभी जो है इस वेबसाइट की एडमिन है तो वो शो होगी. ठीक है, अगर ये जो है कोई शॉप बनाती है जैसे इस तरह का. ठीक है, तो जब कोई बंदा आके शॉप करने के लिए पहले उसे अपना अकाउंट बनाना होगा क्योंकि जो आपके पास डाटा बेस होगा ना कि ये बंदा कहाँ क्या है, सामान कहाँ भेजना है, उसका डिटेल्स क्या है, किस इलाके से है, उसका नंबर क्या है. तो जब वो आएगा उसे जहरी बात है वहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा. अब आप पे डिपेंड करते हो कि आप यूजर को अलाउ कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कि लॉग इन कर सकता है या नहीं कर सकता. जैसे आप यहाँ पे देखो कि अभी मैं आपको दिखाऊँ सेटिंग में जाके, जनरल में जाके. ठीक है, जनरल में आप जाते हो ना तो यहाँ पे है ना एनी वन कैन रजिस्टर. तो अभी जोहा ने ना अलाउ नहीं किया हुआ कि कोई भी रजिस्टर कर सकता है. जब जोहा इसको क्लिक करेगी तो फिर कोई भी आके रजिस्टर कर सकते हैं. सही है, अगर आप इसको अनसेलेक्ट करोगे तो कोई बंदा आके साइन अप करेगा तो उसका वो यूजर नहीं बनेगा हमारी साइट का. तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो आके यूजर बन जाएगा. देन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ कि यूजर है क्या. देन आपकी मर्जी है आप क्या करना चाह रहे हो. जो हमारे पास एक बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट आती है ना उसमें हमारे पास ये वाले होते हैं, मतलब रोल जो है ना, एक सब्सक्राइबर का रोल होता है, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर का, एडिटर का, एडमिनिस्ट्रेटर का. सो प्लगइन्स आते हैं जो हमारी क्या होता है रोल को इंक्रीज कर देते हैं, फंक्शनैलिटी को. वो रोल जो है मतलब अगर आपकी एक मल्टी वेबसाइट है जहाँ पे draz.com की तरह, तो वहाँ पे एक वेंडर्स आ जाते हैं. ठीक है, रोल वेंडर्स का भी आ जाता है, वो रोल जो है ड्रॉप शिपर का भी आ जाता है, मतलब सामान पहुँचाने वाले का. तो प्लगइन का ये काम होता है. तो अभी बेसिकली हमारे शुरू में जो हमें फंक्शनैलिटी मिल रही है रोल की वो सिर्फ इतनी है. अगर आप प्लगइन करोगे तो मैं आपको अपनी साइट पे दिखा दूँ, जैसे कि मेरी साइट पे रोल आप देख लीजिए. यहाँ पे रोल आप देखेंगे यूजर पे आके. ठीक है, वो एक बेसिक थी वहाँ पे शुरू में, अभी हमने कोई प्लगइन नहीं लगाए हुए थे. तो मैंने अब लगाया हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, हर मेरी जो वेबसाइट है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स पे है. ठीक है, किसी भी तरह का आपको ग्रुप लिंक चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे आके मिल सकता है. यहाँ पे देखो ये यूजर थे सारे. सही है, अब मेरे पास जो रोल्स है ना यूजर्स के, मैं आपको दिखा दूँ चेंज रोल. देखो एसईओ एडिटर, मैंने एक प्लगइन किया एसईओ, उसने फंक्शनैलिटी डाल दी एसईओ एडिटर, एसईओ मैनेजर. और सिंपल लिंक डायरेक्टली मैंने प्लगइन ऐड किया, उसने ये एक यूजर रोल ऐड कर दिया. मैंने वो कॉमर्स ऐड किया तो उसने ये ऐड कर दिया कि शॉप मैनेजर कस्टमर हो गया. ठीक है, जो खरीदने वाला है वो कस्टमर हो जाएगा. दीज आर इंक्रीजिंग फंक्शनैलिटी प्लगइन. ठीक है, यूजर मैनेजमेंट हमारे पास आसानी हो जाती है वर्डप्रेस में, कि आप यूजर को क्या रोल देना चाह रहे हैं. ये इसकी समझ ला कि व्हाट इज यूजर मैनेजमेंट, हमने पॉइंट देखा था यूजर की समझ ला कि. चले, सच में समझ आ रही है या फिर दिल को तसल्ली दे रहे हो, ना है तो कह देना. ठीक है, क्योंकि कोशिश है आपको सही तरह समझ. देन यहाँ पे प्रोफाइल है जो आपकी प्रोफाइल है. ठीक है, अब यूजर को अगर आप एडिट करना चाह रहे हो ना तो यहाँ पे बैक बक एडिटिंग, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे अभी एक है, जब ज्यादा होंगे तो यहाँ बक एडिटिंग भी की जा सकती है कि ज्यादा यूजर्स को ना, मतलब कस्टमर से उनको ना वेंडर, अगर वो वेंडर बनना चाह रहे हैं उसे वेंडर बना दो, अगर वो जो आप कोई वेंडर है तो उसे आप आम सब्सक्राइबर बनाना चाह रहे हो तो आपके अख्तियार में सारा कुछ. यहाँ से अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा आप लॉग इन करो, आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करोगे. ठीक है, अपने अपने यूजर में आके आप जिसका भी पासवर्ड चेंज करना है, अगर आप विजुअल ठीक है, यहाँ पे आप अपना एडमिन कलर है ना चेंज करना चाह रहे हो, कोई लुक चेंज करना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपका दिल करे. डिफॉल्ट रखना है एंड ठीक
ठीक है, देखो लुक चेंज हो गई ना, मैंने वो सिलेक्ट किया था तो लुक चेंज, अब मेरे डिफॉल्ट क्लिक किया तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। देन जो यूज़र नेम है ये चेंज नहीं हो सकता, आपने एक बार रख रख लगा लिया तो यूज़र को मिल गया, वो यूज़र नेम कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो यूज़र नेम वही रहेगा। हाँ बाकी आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले पब्लिक नेम उसको आप चेंज, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यूज़र नेम है। एंड देन ईमेल जो है वो आपके पास ईमेल आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चेंज कराना चाह रहे हैं, अगर उसकी वेबसाइट है वहाँ पे यूज़र की वेबसाइट है तो आप यहाँ पे यूआर डाल और यूज़र का जो है वो बायोग्राफी, ठीक है, आप प्लगइन की सहूलत से आप ये डाटा कलेक्ट भी करवा सकते हो। बेसिकली अभी हमारे पास प्लगइन नहीं लगे हुए, अगर आप प्लगइन कोई साइन अप करवाते हो, ठीक है, बायोग्राफी वगैरह उनसे गेट करते हो तो वहाँ पे ये डाटा आ जाएगा, ठीक है, प्लगइन फंक्शनैलिटी डालते हैं। अभी जोहा ने यहाँ से सेट पासवर्ड किया हुआ था, ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ से आके अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो चेंज हो जाएगा, तो क्लिक नहीं करना, अगर आपने चेंज करना है तो क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाह रहे हो जो यहाँ पे शो हो, ठीक है, यहाँ पे सो यू कैन चेंज पिक्चर फ्रॉम हेयर एंड दैट्स इट, ठीक है, अपडेट। सो देन हमारे पास बाली आती है टूल्स की, टूल्स जो है ना ये हमारे पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए होते हैं, इनका ज़्यादा यूज नहीं होता, लोग प्लगइन यूज करते हैं, प्लगइन ज़्यादा फंक्शनैलिटी देते हैं तो इनका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, ठीक है, तो टूल्स को इतना काम नहीं होता, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, कोई आपकी ब्लॉगर पे वेबसाइट है blogger.com, फ्री हमारे पास गूगल का प्रोडक्ट है फ्री होस्टिंग और .blogpost.com, अगर आप वहाँ से वेबसाइट आपकी थी और यहाँ पे इम्पोर्ट करना चाह रहे हो तो ये इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आप मतलब प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, एक आपने कहीं से प्रोडक्ट आपने लिखवाए, ठीक है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना मैं आपको दिखाऊँ शॉप में, तो ये एक बेसिकली शॉप है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास आप दुकान में जाओ वहाँ पे शॉप में सामान होते हैं, अलमारी में सजे होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास शॉप है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ठीक है, तो ये ऐड करनी पड़ती है, मैंने काफ़ी टाइम लग गया है, तो आपने कहीं से अपलोड करवाई और आप इन्हें अपनी साइट पे इम्पोर्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या होता है यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो, जो ऑप्शन है ना ये जो टूल्स में आके ना यहाँ पे इम्पोर्ट, ठीक है, जो भी करोगे इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास डिफरेंट इम्पोर्टर्स आ जाते हैं, जैसा कि अगर आप ब्लॉगर की वेबसाइट इम्पोर्टर करना चाह रहे हो तो ये कर लो, अगर आप कैटेगरीज को कन्वर्ट करना चाह रहे हो कैटेगरीज और टैग्स, ये मैं इसको आपको बताऊँगा बाद में, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट इम्पोर्ट करना चाह रहे हो, आपकी कोई और वेबसाइट थी जैसे जोहर की पुरानी वेबसाइट थी आई थिंक क्या थी पता, यही थी इंजीनियरिंग सेकंड पे आ रही, स्लो है। सो बेसिकली मकसद ये कि अगर आपकी पहले एक वेबसाइट है, ठीक है, आपने कहीं जैसा कि आपने अपनी होस्टिंग पे बनाई, आपको क्लाइंट पे यकीन नहीं है कि वो भाग जाएगा कहीं पे, तो आप उसे कहो कि भाई मैं आपको अपनी होस्टिंग पे बना के दूंगा, ठीक है, तो जब मैं आपको बना के दूंगा आप लाइव देखते रहोगे और जब आप एग्री हो जाओगे देन मैं आपको ये बैकअप देख के आप मुझे पे करोगे, मैं आपको बैकअप दे दूंगा, या अगर वो कहेगा आप मुझे बैकअप करके दो देन आप वर्डप्रेस यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लगइन का ही यूज़ करो तो यहाँ से ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ इम्पोर्ट नहीं होता, कुछ कुछ होता है, तो फंक्शनैलिटी ना जो है ना प्लगइन वो इंक्रीज करते हैं, जैसे ये जोहा की वेबसाइट है, ठीक है, अगर मैंने इसको जोहा को बना के दी, ठीक है, तो जोहा ने कहा कि मुझे आप इम्पोर्ट करके दो, जब वो मुझे पे करेगी देन मैं इसका बैकअप लूँगा, ठीक है, इसका बैकअप लेके ना को मतलब एक्सपोर्ट करूंगा अपनी वेबसाइट अपनी अपनी होस्टिंग से, देन मैं उसके कहूंगा कि अपना सी पैनल दो मुझे, वो मुझे अपना सी पैनल देगी तो उसकी वर्डप्रेस में इंस्टॉल करूंगा, इसको बैकअप करके ना, अभी मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है सो यू कैन चेक इट, ठीक है। सो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जैसा कि आप देखो अबाउट मी सही है, ये देखो यहाँ पे सर्विसेज क्या हैं उसकी, उसकी
सर्विसेज असाइनमेंट सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज राइट, और उसके जो वर्क है अब इसने सही तरह कस्टमाइज नहीं की हुई, तो जब कस्टमाइज हो जाएगी तो फिर अच्छी वहाँ पे कॉन्टैक्ट है सारा कुछ है। सो अब मैंने इसको वेबसाइट बना दी तो उसने कहा मुझे बैकअप, मैं इसको बैकअप करके वहाँ पे इम्पोर्ट कर दूँगा। तो ये है इसका मकसद। देन बारी आती है सेटिंग की। सेटिंग ये इसको मैं फिर हम करेंगे, ठीक है। आज मैं इतना नहीं करना चाह रहा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सेटिंग मैं चाह रहा हूँ कि मैं कल करूँ। सो आज के लिए इतना ज़्यादा हो गया, इतना टाइम 3:40। सो आज के लिए इतना काफ़ी है जी, काफ़ी है। चलें ठीक है। अच्छा किसी का कोई सवाल हो ना तो मैसेज चाहे मैसेज करके मैसेज भी पूछो, तो क्योंकि अगर अभी है तो अभी क्लियर कर लो, बाद में मसला ना हो जाए। अभी यही पे ना कोई क्वेश्चन है तो कर ले। एनीबॉडी एल्स पूछ लो, शर्माना नहीं है। कोई भी बेचारा कितना बुरा सवाल ना हो, अगर मेरी कोई बात मतलब आपको सही नहीं लगी, क्लियर नहीं हो रही, मेरी आवाज़ की समझ नहीं आ रही, मेरे तरीके की समझ नहीं आ रही, तो आप वो भी मुझे बता दो, क्योंकि जैसे आप बताओगे नहीं तो फिर हम नहीं चल सकेंगे। आप क्लियर कर दो मुझे ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो ना हो। कंटेंट कोड लिखते हैं आप या किसी और वेबसाइट से कॉपी? देखो अली, अगर आप कंटेंट कॉपी करोगे ना सो आपकी वेबसाइट कभी गूगल रैंक नहीं होने देगा, ठीक है। वो आपको चोर समझेगा और वो आपकी साइट को रैंक नहीं हो। कंटेंट राइटर हैं इसलिए कि आप उनसे कंटेंट लिखवाओ। अगर आप खुद राइटर नहीं हो तो जोहर लोगों से हम लिखवाते थे, उन्हें पता होगा, तो हम एडसेंस पे काम कर रहे हैं। तो कंटेंट लिखवाना पड़ता है भाई, पे भी करना पड़ता है। और तरह नहीं होता कि आपको क्या होता है कोई वेबसाइट को कॉपी करके वहाँ पे लगा दो, सही है। अगर आप SEO है, SEO भी मैं बेसिक बताऊंगा, अब ये एडवांस में तो नहीं जाएंगे, लेकिन SEO और वेबसाइट है ना वो इंटरमीडिएट है। SEO के बगैर वेबसाइट नहीं, वेबसाइट के बगैर SEO नहीं। तो SEO भी हम काम करेंगे। SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सो उस पर भी हम काम करेंगे। तो क्योंकि मैं आपको इस लाइक बना दूंगा कि आप अपना प्रोडक्ट जो है, अपनी वेबसाइट जो है आप बेचो, ठीक है। आप मेरे इंशाल्लाह मेरे सीखते हुए भी आप कोई ना कोई काम लाजमी कर लोगे, तो मैं आपको सारा बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको फाइवर ठीक है, मैं फाइवर पे काम भी करता था, दोहा जानती है, मैंने ऐसे ही बाहर से काम करता था। सो मुझे ना पिछले दिनों स्कैम हुआ मेरे साथ, पाकिस्तानी था हमारा, तो मैंने सोचा ये तो काम खराब है, क्योंकि एक दो दोहा होते मेरे साथ बहुत स्कैम हो गया, तो मैंने सोचा अब मैं फाइवर पे ही करूँगा। तो मैंने एक वीक में ना, पहले मेरा एक प्रोजेक्ट था तकरीबन एक साल पहले, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स कट गए ना, एक मिनट में आपकी प्रोफाइल देखता हूँ, ठीक है। अगस्त 2020 से मैंने ये किया, अकाउंट बनाया था मैंने, और जो है क्या होता है, मैंने जो पहला प्रोजेक्ट करवाया किया था ना, ये क्या डेट थी, हाँ ये 10 months ago, मतलब एक साल पहले ये मैंने काम किया था। देन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा फाइवर वाले 20% काटते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अभी से फाइवर की प्रोफाइल बना लेना, अभी आप थोड़ा सा सीख लो, देन आप, क्योंकि मैंने जो को कहा था कि हम साथ साथ थोड़ा फ्रीलांसिंग का भी गाइड करेंगे, सीधा एक वर्डप्रेस नहीं सिखाना, क्योंकि आपको स्किल बेचनी भी आनी चाहिए। ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा कि किस तरह करना है। अभी देखो मेरे पास, मैंने सिर्फ एक साल पहले एक काम किया था, और ये मैंने इस वीक में ना 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, तो 6 काम मैंने, 5 काम एक वीक में किए और एक साल पहले मैंने छोड़ दिया था ना। तो अगर आप पास स्किल है किस तरह बेचना है तो आप आसानी से बेच सकते हो। तो मैंने एक गिग बनाई हुई है, ठीक है, वो गिग है कि मतलब जो भी काम है मैं करवा लेता हूँ, नोट हो रही है। सो आपको फाइवर पे अच्छा सा अकाउंट भी बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हो ना तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, और इसके जरिए आपने अपनी सारी बनानी है, ठीक है। तो आपने ये लिंक्डइन प्रोफाइल लाजमी बना लेनी है। अगर आपको हेल्प चाहिए कि किस तरह बनानी है तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा।
ठीक है, जैसे कि मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल लाजमी बनानी है, और इस पे अपना जो भी सीखते हो, जो भी करते हो, जो भी काम करते हो ना, फेसबुक से बेहतर आप ये यूज करो। आपको यहाँ से जॉब वगैरह मिलती है, इंटर्नशिप्स आती हैं, और यहाँ पे सारे जो है ना प्रोफेशनल लोग, तो आप लिंक्डइन भी कर लीजिएगा, बाकी हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज कल अगर रेंट करना चाहिए, बहुत लेट हो गई है। सो थैंक यू फॉर अटेंशन। तो नेक्स्ट कब होगा, तो हम ये से मैं बात कर लूँगा, तो देन मैं थोड़ी सी असाइनमेंट भी डाल दूंगा, थोड़े से क्वेश्चन वगैरह, तो आप लोगों ने जवाब देने होंगे, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे। सो एंड करें क्लास। चलें ठीक है, अपना क्या रखिएगा, तो चलें ठीक है, फिर जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो गूगल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या गूगल क्लास। थैंक यू, टेक केयर।